अंग्रेजी ग्रामर सीखना अब आसान हो गया है। क्या आप जानते हैं कि वाक्य की संरचना कितनी महत्वपूर्ण है? एक सही वाक्य में विषय, क्रिया और वस्तु का सही क्रम होना चाहिए। जैसे, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं विषय है, पढ़ता हूँ क्रिया है और किताब वस्तु है। अब चलिए टेंस की बात करते हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य काल का सही उपयोग आपके संवाद को स्पष्ट बनाता है। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ता हूँ वर्तमान काल है, मैंने पढ़ा भूत काल है और मैं पढ़ूंगा भविष्य काल है। इसके अलावा वर्ब्स का सही रूप भी जरूरी है। गो का वेंट और गॉन में परिवर्तन जानना आवश्यक है। इस सीरीज में मैं कवर करूंगी टेंसेस, मॉडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन इन सब से पहले मैं कवर करूंगी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग, जो कि आज का टॉपिक भी है। बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इनके जरिए आप बेसिक वर्ड सीखेंगे। सभी अंग्रेजी व्याकरण वीडियो के लिए मेरे चैनल का फॉलो करें, जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने में मदद करेगा। तो अंग्रेजी ग्रामर अब आपकी मुट्ठी में है, इसे समझें और अपने संवाद को बेहतरीन बनाएं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।